खबर कानपुर से है, जहां देर रात एक झोपड़ी में अचानक से आग लग गई। घटना रूरा थाना के हरामऊ बाजार बंजारों की बड़ी बस्ती की है, जहां आग लगने से माता पिता और तीन बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई। पता चल रहा कि जब आग लगी तब परिवार के लोग झोपड़ी में सो रहे थे। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक परिवार के पांच लोग गृहस्थी समेत जल चुके थे। थाना प्रभारी, CO और SP मौके पर पहुंचे और जाँच पड़ताल के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां देर रात एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई। घटना रूरा थाना के हरामऊ गांव में बंजारों की बड़ी बस्ती की है, जहां आग लगने से माता पिता और तीन बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब आग लगी तब परिवार के लोग झोपड़ी में सो रहे थे। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक परिवार के पांच लोग गृहस्थी समेत जल चुके थे। थाना प्रभारी, CO और SP मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो एक दुखद खबर सामने आ रही है कानपुर से, जहां एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई, जिसके चलते कई लोगों की मौत हो गई है। घटना रूरा थाना के हरामऊ गांव में बंजारों की बड़ी बस्ती की है, जहां बता दें कि आग लगने से माता पिता और तीन बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई। ये घटना हुई फूस के जब छप्पर थे ना तिन वाले, उसी में बल्ब का लट्टू लगा हुआ था बिजली वाला, और उस लट्टू द्वारा आग उस घर में लगी। ये अंदर सो रहे थे, आगे से कुंडी बंद थी, छप्पर का वो रखा हुआ था, बस चारों तरफ से आग घेर ली। दरवाजे की तरफ से पहले घेरी गई आग, कि दरवाजे की तरफ टंगा हुआ था वो, चो फिर आग घेर ली गई। ये लोग उसी में सोते रहे, बस छप्पर टूट के गिरा, उसी में सब दब गए, सब मर गए। देखिए, जो हरामऊ गांव है, तहसील डेरापुर, थाना रूरा है, वहाँ पे एक दंपत्ति और उनके तीन बच्चों की मृत्यु हो गई है। उनके घर में आग लगने से मृत्यु हुई है। उसका जो कॉज ऑफ फायर है, उसके लिए फॉरेंसिक टीम मौके पे है, वो जांच करके बता रही है। अभी कॉज क्लियर नहीं है। अभी इनकी जो एक मदर है, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया है, सुपरफिशियल उनको बर्न्स आए हैं, उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। देखिए, हमारे थाना रूरा क्षेत्र अंतर्गत हरामऊ गांव में बंजारा डेरा में एक सूचना मिली थी कि एक झोपड़ी में आग लगने से सतीश काजल नामक एक दंपति और उनके तीन बच्चे जलकर मृत्यु हो गई है। तो उसी में मैं और मेरे सारे सक्षम अधिकारी, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और फायर ब्रिगेड सभी मौके पर पहुंच गए, और मौके मौना के दौरान थोड़ा सा कुछ जला हुआ वायर वगैरह मिले थे, लेकिन जो भी रिपोर्ट है, फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर जो भी सत्यता है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विपिन जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विपिन, हरामऊ से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि दंपत्ति समेत तीन बच्चों के जिंदा जलकर मौत हो गई। विपिन, कब यह हादसा हुआ और जिस वक्त ये हादसा हुआ, क्या उस वक्त वहां कोई और अन्य मौजूद नहीं था जो इस बात की जानकारी दे सकता, जिसके चलते इन लोगों की जान बच जाती? जी सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनपद कानपुर देहात के हरामऊ डेरा गाँव में एक संदिग्ध परिस्थितियों में घर के छप्पर में आग लग गई। जी, जिस समय आग लगी, इस समय परिजन घर के छप्पर के नीचे सो रहे थे और गांव के लोग बारात में गए हुए थे, जिसके चलते गांव में भी कम लोग थे। जी, आग की लपटों को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, वो पास आए, लेकिन आग इतनी भीषण हो चुकी थी कि किसी को बचाया नहीं जा सका। घर का छप्पर उन सोते हुए दंपति व उनके बच्चों पर गिर गया, जिससे दंपत व तीन मासूम बच्चों की जलकर मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंचे DM और SP ने मौके पर जांच पड़ताल की है। आग के कारणों को जानने के लिए फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है, डॉग स्क्वाड मौजूद है। वहीं जिला प्रशासन में पहुंचे DM व SP ने घायल महिला, जो उनकी बच्चों की दादी थी, उनको बचाने में घायल हो गई थी, उनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। जी, अगर बात करें विपिन, परिवार में कितने लोग थे, क्योंकि दंपति समेत तीन बच्चों की जलकर तो मौत हो गई, अब परिवार में और कितने लोग बचे हैं और परिवार के साथ कितने लोग रहते थे? सर, परिवार के साथ यही पांच लोग रहते थे और उनकी दादी रहती थी। दादी छप्पर के बाहर सो रही थी। जी, जिस समय आग लगी तो बचाने के प्रयास में वो भी झुलस गई। जी, और एक पूरा परिवार, पति पत्नी व उनके तीन बच्चे, आग की चपेट में आकर जलकर मौत हो गई उनकी। जी विपिन, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए।
तो एक दुखद खबर सामने आई है हारा मऊ से, जहां झोपड़ी में आग लगने के चलते दंपति समेत 3 बच्चों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि जिस वक्त ये आग लगी उस समय दंपति अपने बच्चों के साथ झोपड़ी के नीचे सो रहे थे। बताया जा रहा है कि झोपड़ी में इतनी ज़्यादा आग लगी कि किसी को भी बचाया नहीं जा सका।